ये हमारी जो वीडियो है ना, ये लास्ट वीडियो हमारी है। अब हम लोग वीडियो नहीं बनाएंगे और फ्रेंड्स हम लोग की अब वीडियो जो है कभी भी नहीं आएगी। ये हमारी लास्ट वीडियो है। वीडियो है। हेलो फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? तो हेलो मेरे सभी फ्रेंड्स को गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ आप लोग कैसे हो। दूसरी चीज फ्रेंड्स से बता दूं, अभी है नाइट का टाइम और हम वीडियो शूट कर रहे हैं नाइट में। तो क्योंकि नाइट में इसलिए शूट कर रहे हैं कि हमारे पास इतना ज्यादा कमेंट्स आ गया इंस्टाग्राम पे कि हमें इस वीडियो को शूट करना है। तो हम इससे पहले हमने दूसरी वीडियो बना रखी थी जो कि हम वो अपलोड करने वाले थे, लेकिन फ्रेंड्स वो नहीं अपलोड करके हमें ये बनाना, क्योंकि हमसे जो प्यार करते हैं हमें जो कहेंगे हमें वो करना पड़ता है। आप लोग हमें बोलते हो रोहन भैया हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो हम आप लोगों के लिए वो वीडियो लेकर के आते हैं। लेकर इसलिए आते हैं क्योंकि आप लोग हमें इतना सपोर्ट और इतना प्यार देते हो, इसलिए लेकर के आते हैं। और हमारा काम है आप लोगों का काम है कि बोलना कि हाँ रोहन भैया हमें इस पे वीडियो चाहिए, ऐसे बना के दिखाओ और हम आप लोगों को वो वीडियो लेकर के आते हैं, तभी आप लोग हमें इतना सपोर्ट और प्यार देते हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप सभी को यही बोलेंगे कि अब से ये हमारी जो वीडियो है ना, ये लास्ट वीडियो हमारी है। अब हम लोग वीडियो नहीं बनाएंगे और फ्रेंड्स हम लोग की अब वीडियो जो है कभी भी नहीं आएगी। ये हमारी लास्ट वीडियो है। और फ्रेंड्स मैं इसलिए लास्ट वीडियो इसलिए बोल रहा हूँ, ये इस चीज से ना फ्रेंड देखिए, इस चीज से ना बहुत ही मतलब वो हो चुके, बहुत लोगों को पता, जिसे नहीं पता वो आके पूछते हैं हमें। तो फ्रेंड्स बस यही कहेंगे अब हमारी ये लास्ट वीडियो, अब हम वीडियो नहीं बनाएंगे। नहीं बनाएंगे कि मतलब हम इस टॉपिक पे नहीं बनाएंगे। सबको शॉर्ट लगाना मेरी बहन, आपको शॉर्ट लगाना, आप हंस रहे हो, देख लो बहन कितने हंस रहे हो, कितने प्यारी प्यारी सी स्माइल है ना आपकी। क्योंकि फ्रेंड देखिए, तो भाई देख लो हम वीडियो इससे नहीं बनाएंगे क्योंकि आप सभी को पता है हमारा बेबी आने वाला है। ठीक है, दूसरी बात हमने बहुत सारी ब्लॉग में बातें बोल चुकी, लेकिन फिर भी हमारी कुछ सिस्टरों को नहीं पता होता है, तो हम स्पेशली टाइटल के साथ लिख के डालेंगे कि हाँ ये चीज है, ऐसा है। तो फ्रेंड आप सभी को पता है कि जो हमारा बेबी है बहुत जल्द आने वाला है, हमारा 8 मंथ कंप्लीट हो चुका है। और आप ही सभी लोगों का ये कहना है कि प्रियदी आपका 8 मंथ कंप्लीट हो गया, 8 महीना 10 दिन, 8 महीना 2 दिन में बेबी हो जाता है। और दूसरी चीज, आज जो मैंने कमेंट्स पढ़े ना फ्रेंड, देखिए आज हमारा ब्लॉग कौन सा आया था मैं आपको ये भी बता देता हूँ। आज हमारा वीडियो आता जो हमने एल्बम शूट करी थी, हमारा एल्बम वो शूट कैसे हुआ, तो आज हमारा चैनल वीडियो आने वाला था वो, और एकदम टोटल इतना मस्त वीडियो था ना फ्रेंड कि आप लोगों को देख कर ना शॉर्ट लगा था, आप लोग हंस हंस के ना क्या बताऊं, इतना मजे लेते ना इस वीडियो का, बता नहीं सकता। ठीक है, और फ्रेंड देखिए इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था हमारा कि अभी बहुत से मेरे पास कमेंट्स ये आए थे। बस मैंने देखिए रात में मैं वीडियो शूट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मजबूर हो गया था शूट करने पे, एडिटिंग हो गया, ठीक है, रखा हुआ था। बहुत लोग सिस्टर कमेंट आते रोहन भी आपने एल्बम शूट किया वो डालो। तो फ्रेंड्स मेरा मुद्दा ये है कि कमेंट क्या आए थे, पहली बात तो बहुत लोग कंफ्यूजन अभी भी है, अभी 2-4 कमेंट्स ऐसे आते हैं कि प्रिया जो है अपने पेट में कपड़े डाल करके वीडियो में आती है, तो बस मैं यही दूसरा हाथ जोड़ के पहला कंफ्यूजन, ठीक है, हमें आप किसी को इतना नहीं समझा पाऊंगा। पहली चीज ये बहुत अभी मैंने नहीं जाने में बोलने का मुझे अभी मैंने ये चीज देखा है कि बहुत अच्छे जब पढ़े पढ़े लोग जो लोग पढ़े लिखे हैं कहते हैं कि प्रिया प्रेग्नेंट नहीं है, प्रिया झूठ बोल रही है, ये कपड़े डाल करके आती है, मैं झूठ बोल रही हूँ, चलो कोई बात नहीं। बाकी हाँ जो हमारी सिस्टर हैं, जो हमारे ब्रदर हैं, जो हमारे भाई हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनको पता है कि क्या सच है और क्या झूठ है। तो भाई देख लो कोई भी इंसान ना आज 8 महीने से अपने पेट में कपड़ा भर करके ब्लॉग वीडियो नहीं बनाया, कोई भी इतना इंसान घटिया नहीं हो सकता है, ठीक है। बाकी एक मिनट जानू, जो हमसे प्यार करने वाले हैं उनको सबको पता है कि प्रिया प्रेग्नेंट है, सीज अ प्रेग्नेंट, ठीक है, यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है, ठीक है, और ये कोई मजाक नहीं है कि यार बंदा ऐसे ऐसे करेगा, ये चीज कोई वो नहीं चल रहा है ना, कोई यहाँ मतलब कोई शो हो रहा है, ठीक है। तो भाई इस चीज को मैं चेंज कर देता हूँ। और हाँ बहुत से मेरी प्यारी सिस्टर ये कमेंट कर रही थी, प्रिया बताई चलो बता रहा हूँ कमेंट क्या कर रही थी, आप बताओ ना। तो बहुत सिस्टर कमेंट ये कर रही थी
कि रोहन भाई प्रिया का डेट क्या है, आई मीन डिलीवरी डेट क्या है। अभी किसी को पता था और किसी को पता नहीं था। अब प्रिया बताएगी, क्योंकि मैं बहुत बोल चुका हूँ इसीलिए मैं नहीं पिट सकता, इसीलिए मुझे अब चुप रहना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी बहुत बोलते हैं ये, मुझे इतनी देर से एक बार भी नहीं बोलने दिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहूँगी जो हमारा डिलीवरी डेट है वो हमारा, आप सभी को पता, आप लोग कमेंट के हिसाब से आप सही बोल रहे हो, हमें डॉक्टर ने भी ये बात बोली है कि आप मतलब 2 वीक्स बाद आना, ना जानू आई मीन दो हफ्ते बाद आप आना। तो फ्रेंड देखिए, इस टाइम का कोई पता नहीं होता। हमें बहुत सारी सिस्टर हमें समझाई हुई, प्रिया दी जब आपको खूब ज़्यादा पेन हो और मतलब कि आपको ऐसा, मतलब उन्होंने कुछ बातें बताई, ऐसा हो तब आप हॉस्पिटल जाना, वरना ऐसे हॉस्पिटल मत जाना। क्योंकि अगर आप ऐसे सिर्फ पेन हुआ हल्का सा आप हॉस्पिटल चले गए तो आपका जो भी हो ऑपरेशन कर दिया जाएगा। तो सिस्टर मैं जो मेन टॉपिक था वो बताओ। तो सिस्टर मैं यही कहूँगी, तुम ऐसे तो मैं नहीं जाऊँगी। तो फाइनली हमारा 8 मंथ कम्प्लीट हो गया, 9वां चल गया है और हमारी 8 महीने कितने दिन हो गए प्रॉपर फ्रेंड्स को बताओ। हमारा 8 महीने आज है जानू, आज है 18 तारीख, तो 14 तारीख को हमारा 8 महीना पूरा हो गया। जानू किस 14, 15, 16, 17, 18, हाँ तो प्रिया का फाइनली 4 दिन हो गए, 8 महीने 4 दिन हमारे हो गए हैं। 8 महीने 4 दिन प्रिया के कंप्लीट हो गए हैं। और ये हमारी लास्ट वीडियो पता किस लिए थी फ्रेंड्स, हमारी इस टॉपिक पे ना हमारी ये लास्ट वीडियो थी। हाँ, कि हमारी डिलीवरी डेट है, डिलीवरी डेट क्या है, लेकिन जो हमारा जो कार्ड है उस पे 21 अगस्त का डिलीवरी डेट है। 21 अगस्त इसी महीने में ना, अगले महीने में हाँ 21 अगस्त अगले महीने में रक्षाबंधन होगा। हाँ, उसके बाद तो रक्षाबंधन में भी 14 तारीख आएगा, तो फाइनली हमारा 9 महीना कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर ने फिर भी 6 दिन आगे हमें दिया है। 14 तारीख को 9 महीना कंप्लीट होगा फ्रेंड्स, आप लोग जोड़ लीजिए, फिर उसके बाद 6 दिन 21 तारीख का दिया है, फिर 4, 5, 6 दिन जो भी है वो आगे है। तो डॉक्टर भी सही डेट दिए हैं कि ताकि हमें अगर पहले ऐसी कोई बात हो तो हम पहले चले जाएं, बाद में ऐसी कोई बात हो बाद। डॉक्टर अपने हिसाब से सही डेट दिए हैं। और हाँ, आप सभी को फाइनली ये बात पता चल गया होगा कि हमारी डिलीवरी डेट 21 अगस्त की है, और इसके बीच हमारा बाबू एंट्री कर जाए तो उसकी जिम्मेदारी मैंने। और हाँ, बहुत से मैंने कमेंट्स से पढ़े फ्रेंड्स, आप लोग जब कमेंट्स पढ़ना, बहुत ये कह रहे थे कि हमारे मतलब घर में हुआ 8 महीने 4 दिन में, किसी का 8 महीने 6 दिन में, किसी का 8 महीने 10 दिन में, किसी का 8 महीने 2 दिन में भी हुआ, और किसी की तो यहाँ पे 6 मंथ का बेबी भी हुआ है, तो और किसी के 7 मंथ में भी हुआ। मैं यही कहूंगी भगवान की दुआ से मेरा जो भी 7 महीना 8 महीना 6 महीना तो कट गया। बस मैं यही कहूंगी जो हमारा डेट है ना, भगवान की दुआ से डेट पे हो। क्योंकि फ्रेंड देखिए, मैं ये नहीं चाह रही अभी मेरा बेबी बहुत वीक है, थोड़ा मैं खा पी के जो भी उसका वेट बढ़ा दूं तब वो हो इस दुनिया में आए। बस मैं यही चाहती हूँ, आए तो बोल देखिए। बस आप लोग पापा ऐसे दिख रहे हैं, बच्चा भी ऐसा दिखे फ्रेंड देखिए, वो तो भाई मैं इतना मेहनत करता हूँ ना कि भाई मैं क्या बताऊँ, वो मुझे ही पता है। बस फ्रेंड्स, आप लोग से ही प्रे करूंगा कि प्लीज फ्रेंड्स, आप लोग ना हमारे आने वाले बेबी के लिए ढेर सारा प्यार देना, ढेर सारा सपोर्ट करना। और कमेंट शेयर कर रहे थे हमें कि रोहन भैया आप एल्बम वाला वो लेकर के आओ, मैंने आपको अभी तुरंत जस्ट बताया है तो वो भी आएगी, वो आज आने वाली थी, क्योंकि मुझे वीडियो इस टॉपिक पे मिल, लेकिन फ्रेंड देखिए मेरे उस एल्बम से बढ़ के आप लोग, आप लोगों को, आप लोगों का रिप्लाई देना हमारा, आप लोग जिसपे बोलते हो वीडियो, कोई रेसिपी हो गया, कुछ हो गया, मेकअप वीडियो हो गया, हाँ, कुछ हो गया, रेसिपी के लिए आप लोग बोल रहे हो तो इसके लिए अभी मैं हाथ जोड़ लूंगी आप लोगों से, इसलिए क्योंकि मेरी मैं प्रिया के पास हाथ जोड़ लूंगा आप लोगों के लिए, ताकि प्रिया आप लोगों का ख्वाहिश पूरा कर सके। सिस्टर लेकिन थोड़ी गर्मी, क्योंकि फ्रेंड देखिए आप खुश तो हम खुश, हम खुश तो आप खुश, आप खुश इसीलिए फ्रेंड देखिए, आप जब खुश होते हैं तो मुझे खुशी मिलती है, जब मैं खुश होता हूँ तो आप लोग इतने सारे प्यार देते हैं कि हाँ रोहन प्रिया खुश। आप लोग का प्यार देख के लोग कुछ जल जाते हैं। जानू चेंज द टॉपिक, मैं सिराट डार्लिंग, मैं बेबी, मैं वो आज पता इतनी सॉरी कमेंट्स आ रहे हैं। और हाँ, बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे थे कि रोहन प्रिया को क्यों ऐसे करते हो, और हाँ मारता है ये भाई। कल वाले ब्लॉग के लिए मैं सभी से क्षमा चाहता हूँ, हाथ जोड़ करके मैं सभी से क्षमा मांगना चाहता हूँ, और प्लीज आप लोग हमें माफ कर दीजिए, मैं आंख बंद करके क्षमा मांग रहा हूँ। तो भाई देखो, जो कल वाला ब्लॉग था फ्रेंड्स, मैंने उसमें आंख भी मारी थी, आंख मारे ओ लड़का, ओ लड़का आंख मारे। और एक सिस्टर पता क्या मैं कमेंट किया, हाँ तुम ना गाना मत गाया करो, हाँ, और भाई तुम्हारी आवाज मुझे पसंद नहीं, तुम्हारी आवाज मुझे पसंद नहीं। बहन पता है मैं गाता भी हूँ ना,
मेरी आवाज मुझे पता है बहुत ही गंदी है, मुझे पता है आई के नो, लेकिन मुझे पता है जो मुझसे प्यार करते हैं ना यहाँ पे सिस्टर ब्रदर, उनको मेरी आवाज सुन के हंसी आती है, तो मैं हंसाने के लिए ना जानो हंसाने मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जो प्यार करते उन्हें पसंद है, लेकिन जो प्यार नहीं करते हमसे ना उन्हें पसंद नहीं है आपका गाना, आप समझ। कोई बात नहीं, कभी उनको भी पसंद आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। तो सिस्टर मैं यही कहूंगी आएगी कि जानो कोई गुस्सा नहीं करते, बस मेरे लिए गुस्सा कर रहे थे। और हाँ आप ये बात भी सही कर रहे थे, 9 मंथ चला ना इसलिए मुझे ज्यादा भूख भी, मुझे जो खाने का मन करता है वो लेके नहीं आते, 10 बार फोन करूंगी लेके नहीं आएंगे, कहेंगे जानू मैं तो भूल ही गया था, लाना ही भूल गया मैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ना इस ब्लॉग में यही बताना था, क्योंकि देखिए हम लोग तो भाई वो ब्लॉग बना कर रखे थे कि फ्रेंड्स लोगों को दिखाएंगे और बताएंगे, लेकिन भाई मजबूरी में हमें ये ब्लॉग शूट करना पड़ा, मैंने आपको पहले बता दिया। और आप लोग कमेंट से बताना कितने लोग ऐसे हैं जो अभी भी उनको पक्का कन्फर्म हमारा बेबी का डेट नहीं है, प्लीज जल्दी से अपना सेशन देना, क्यों फ्रेंड देखिए हमने इतने सारे वीडियो बना दिया, अब हम वीडियो इतना नहीं सारा बनाएंगे, बोल चुके लेकिन हैं हम उस इस मतलब जिसमें हमने बोला वो लिंक जरूर, अब हमारा सिर्फ वीडियो आएगा हॉस्पिटल पैकिंग का, जब हम जाएंगे डिलीवरी के लिए, डिलीवरी हम नहीं सिर्फ प्रिया और प्रिया के साथ मैं, ठीक है और कौन जाएगा। और फ्रेंड्स आप लोग इनवाइट मैं जरूर करूंगा, एक पोस्ट डालूंगा, जिसको आना होगा ना 16 का हॉस्टल आ जाना जब प्रिया की डिलीवरी होगी, तो प्लीज आप लोग जो लकी होगा जो हमसे प्यार करता होगा तो आएंगे आएंगे। मैं तो बस यही हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, जैसे आपने हमारे लिए ये प्रार्थना किया हमारा बेबी हो जाए, बस ये प्रार्थना करना आप लोग कि हमें अच्छे से हमारा बेबी हो जाए, मुझे कोई दुख कष्ट ना हो, बस मैं यही कहूँगी, क्योंकि मैंने देखा है ना कितना कष्ट होता है, क्योंकि आप सभी को पता है जब मेरी देवरानी को बेबी हुआ था मैं वहीं पे थी। तो फ्रेंड्स हमारी लास्ट वीडियो ना यही थी, मैंने बता दिया हमारी वीडियो रेगुलर आएगी ही आएगी भाई, रोज वीडियो डालूंगा मैं तो, ब्लॉगिंग आएगी हमारी, ऐसा मत सोचना फ्रेंड्स की रोहन प्रिया का ब्लॉगिंग नहीं आएगी, अब भाई मैं क्या करूँ, नहीं ठीक है जानू पता है क्या फ्रेंड्स, आप लोग तो मतलब क्या आप लोग को पता है कि हम लोगों ने ऐसा बोला, लेकिन जो हमारे अरे जानू टॉपिक नहीं तुम्हें मेरी कसम हो जाएंगे फ्रेंड, देख लीजिए मेरी ब्लॉगिंग तो हो जाएगी, बस हमारे इस टॉपिक पे मैं लास्ट वीडियो की फ्रेंड देखिए हमने बहुत से वीडियो में बोल रखा है कि प्रिया का डेट ये है, प्रिया की डिलीवरी डेट ये आ रहा है, हमारा बाबू ये है वो सब बता रखा है, लेकिन कुछ लोग मेरे सिस्टर और ब्रदर ऐसे थे जिनको समझ में नहीं आ रहा था, इंस्टाग्राम पे मैसेज तो आ रहा है, उनके लिए मुझे स्पेशल वीडियो बनानी पड़ी। इस ब्लॉग में आप सबको यही बोलना चाहूंगा, तो जो मैं चैनल पर नया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और अपने फ्रेंड में वीडियो को ऐसे शेयर करना कि हमारे जल्दी 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। तो आज के लिए अभी इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट।